हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इसके डालिम, वेस्ट बंगाल बर्धमान से। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो इसका आप देख सकते हैं यहां पर। ये 26 इंच का एक एलसीडी आया है मेरे पास। इसका मॉडल नंबर है, देखिए इसका मॉडल नंबर ये दिखाओ। और इसका जो फॉल्ट है, मैं आप लोग देखिए, इधर दिखाओ, इसका मैं दिखाओ जूम करके, नजदीक दिखाओ जूम करके। ये जो आईसी है, ये डीसी टू डीसी आईसी है, अब देख सकते हैं ये आईसी बर्न हो गया है। ये देखिए इसका आईसी दिखाओ, ये आईसी बर्न हो गया है, यहाँ पर बर्न हो गया। और यहाँ पर जो ट्रैक है, फॉयल है, ये भी जल गया है। और मैंने ये जो आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी, मैं मार्केट में देखा तो मेरे को नहीं मिला। तो ये पैनल रेडी करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आपको डीसी टू डीसी ये वाला जो मार्केट में बोर्ड मिलता है, इधर दिखाओ, ये बोर्ड मिलता है मार्केट में डीसी टू डीसी, ये बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल करके आप पैनल को रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो बोर्ड है, इधर दिखाओ, इस बोर्ड में आप देख सकते हैं बीसीसी और ग्राउंड इनपुट है, 12 वोल्ट इनपुट है इधर। और इसमें वोल्टेज आउटपुट क्या हो रहा है, वीजीएल, वीकॉम, एवीडीडी, वीजीएच और ग्राउंड। ओके, ये वोल्टेज आउटपुट है। अगर मैं ये बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल करूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर 3.3 वोल्टेज जो निकलता है इस कॉइल से, तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आपको एक्सटर्नल देना पड़ेगा मदरबोर्ड से, नहीं तो आपको मेजरमेंट करके एक वोल्टेज 3.3 वोल्टेज देना पड़ेगा। ये बोर्ड अगर इंस्टॉल करो तो मैं क्या करता हूँ, आप देखिए, मैं ये जो स्केलर पीसीबी है, आप ये स्केलर पीसीबी आप इंस्टॉल करके ये पैनल भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सभी वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है डीसी सेक्शन, यहाँ पर सभी वोल्टेज आपको मिल जाएगा, 3.3 भी वोल्टेज मिल जाएगा और बाकी का जो वोल्टेज है सभी मिल जाएगा। सिर्फ आपको कनेक्शन यहाँ से करना होगा और ये बोर्ड अलग से यहाँ पर फिटिंग करना होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड आप फिटिंग कर सकते हैं और ये जो बोर्ड है ये भी फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बोर्ड फिटिंग करने से आपको पहले भी बोल दे, मैंने बोला जो अलग से 3.3 जो VCC सप्लाई है, 3.3 जो VCC सप्लाई ये रेगुलेटर में आता है, फिर 1.8 वोल्टेज निकल के प्रोसेसर में जाता है, तो अलग से 3.3 आपको मदरबोर्ड से देना पड़ेगा अगर ये बोर्ड आप इंस्टॉल करेंगे तो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये बोर्ड आपको इंस्टॉल करके मैं पिक्चर दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन। इसको बोलता है मॉडिफिकेशन। अगर मार्केट में कोई स्केलर पीसीबी में डीसी टू डीसी आईसी खराब हो जाता है तो मार्केट में नहीं मिलता है, तो आपको ऐसा वाला मॉडिफिकेशन करके पैनल को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये बोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और आप लोग देखिए अच्छी तरह से
फ्यूचर में आपके पास भी आ सकता है डीसीटी डीसीआईसी खराब, तो आपको ऐसे भी ट्रॉफिक में जाना पड़ेगा, ऐसे भी टिप्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप कनेक्शन देखिए, मैं कैसे कनेक्शन करता हूँ। ये पैनल फिलहाल तो 12 वोल्ट का है, ठीक है, और ये जो स्केलर पीसीबी है ये भी 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को कनेक्शन करना पड़ेगा वीसीसी कनेक्शन। तो वीसीसी 12 वोल्ट पहले देना पड़ेगा इसमें, तो ये प्लस सप्लाई वीसीसी 12 वोल्ट और ये माइनस मैंने कनेक्शन यहाँ पर कर दिया। आपको सिर्फ कनेक्शन करके मैं पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, बाकी ये बोर्ड फिनिशिंग करना पड़ेगा लगा फाइनली टाइम। और ये जो सप्लाई भी सप्लाई है ये 3.3, ठीक है, तो ये मैंने 3.3 सप्लाई यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। ओके, अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नया है वो लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग जानते हैं इसके बारे में उसके लिए ये वीडियो नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो है। और सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद हुआ तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 3.3 दे दिया और इधर 12 वोल्ट मैंने इनपुट दे दिया। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सप्लाई है ये वीजीएच का सप्लाई है, तो मैंने वीजीएच सप्लाई यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाऊंगा कैमरा को। वीजीएच सप्लाई मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। ओके दोस्तों, एंड वीजीएल फिर देना होगा, मैंने यहाँ पर वीजीएल सप्लाई दे दिया। ओके, एक और वोल्टेज बाकी है, आप लोग शायद जानते हो, एवीडीडी का सप्लाई देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एवीडीडी का वोल्टेज आप लोग सभी जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं मैं फिर बोल देता हूँ एक बार, एबीडीटी का सप्लाई 16 17 18 वोल्ट होता है, तो एबीडीटी का वोल्टेज देना पड़ेगा। और मैंने नहीं बताया वीजीएच का सप्लाई मैंने को बोल देना था, तो वीजीएच का सप्लाई 26 से लेकर 30 वोल्ट होना चाहिए, तो मैंने फिर कनेक्शन कर दिया, आप लोग पहले देख चुके हैं। और फिर वीजीएल का जो सप्लाई है ये -5 वोल्ट से लेके -10 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया एवीडीडी का सप्लाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। वीडियो को स्किप मत कीजिए, एबीडीडी का सप्लाई यहाँ पर दे दिया। अगर ये बोर्ड आपको फाइनली में लगाना है तो इधर आपको चिपकाना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा अंदर, ठीक है, बहुत ही सावधानी से फिटिंग करना होगा आपको, वायरिंग करके अच्छी तरह से वायरिंग करके आपको फिटिंग करना होगा। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड कैसे लगाता है, फिटिंग करता है, ठीक है। और मैं पावर देगा, अभी पावर देके देखेंगे पिक्चर आया कि नहीं और पैनल ओके हुआ कि नहीं, ठीक है।
दोस्तों मैंने अभी पावर देंगे और देखेंगे पैनल रेडी हुआ कि नहीं। मैंने पावर दे दिया और आप लोग स्क्रीन में देखिए, ये देखिए AV2 सिग्नल आ गया। ओके, चेक द नो सिग्नल केबल। ठीक है, तो डिस्प्ले अभी रेडी है, रेडी हो गया। और वोल्टेज आप एक बार देख लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं उसको वोल्टेज दिखाने का जरूरत है, जो लोग जानते हैं वो लोग तो फटाफट कर सकता है, जो लोग नहीं जानते हैं उसको वोल्टेज एक बार दिखा दो। आप सिर्फ मीटर पे ध्यान दीजिए, जो वोल्टेज कितना रहता है, ये देखिए VGH का वोल्टेज 29 वोल्टेज। ओके, और ये हो गया VGL -8 वोल्ट। ओके, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर में इनपुट होता है और यहाँ से 1.8 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, 1.8 वोल्ट आउटपुट होता है। इस 1.8 वोल्ट इस प्रोसेस डीकॉन प्रोसेसर में जाता है। हो गया, फिर आपको AVDT का वोल्टेज दिखाना है, तो देखिए AVDT का वोल्टेज 17 वोल्ट, जैसा कि मैंने बताया 16 17 होता है, 18 होता है। ठीक है, और पैनल VCC देख लिए, देख लीजिए एक बार 12 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये पैनल अभी फिलहाल रेडी हो गया, और मैं सिग्नल एक बार लगा दूं और पिक्चर आप देखिए ये बराबर आया कि नहीं, पिक्चर दिखाओ। जो आप लोग देख सकते हैं ये पैनल रेडी हो गया और पिक्चर सही तरह से आता है, तो आपको भी ऐसा ही काम करना है, ऐसा ही काम करना है। और इसका अगर ये आपको फिटिंग करना है तो बहुत ही सावधानी से वायरिंग करके आपको अच्छी तरह से यहाँ पर फिटिंग करना है। और अगर ये बोर्ड आपको, ये बोर्ड भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मैं पहले बोल बोल चुका हूँ जे इसमें 3.3 वोल्टेज नहीं है आउटपुट, तो 3.3 वोल्टेज ये बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है, तो अलग से 3.3 वोल्टेज यहाँ पर देना होगा। अगर 3.3 वोल्टेज अगर यहाँ पर आप नहीं दीजिएगा तो ये टिकॉन प्रोसेसर ऑन नहीं होगा और पिक्चर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये बोर्ड स्केलर PCB से काम चल जाएगा और ये बोर्ड से भी काम चल जाएगा। तो सो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके बोलिएगा, और जो लोग नया है मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।